अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ा मुश्ताक है और हम जो है इस वीडियो के अंदर क्लास 7 की लर्निंग ऑफ साइंस पढ़ रहे हैं। और लर्निंग ऑफ साइंस का हम चैप्टर नंबर जो है वो 6 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 की हम रीडिंग कर चुके हैं और आज हम जो इस वीडियो के अंदर देखने जा रहे हैं वो हम इसकी चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो उसकी एक्सरसाइज के लिए हम जो है वो अपनी बुक को ओपन करते हैं। तो हम अपनी बुक में जो है वो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स, सबसे पहले ब्लैंक देखिएगा अपनी। एंड डैश इज़ अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो डैश है ये एक कम्युनिटी है जिसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो किसको बोलते हैं हम, इकोसिस्टम। नंबर टू इज़ द एटमोसफेयर प्रोवाइड डैश इन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स। हमें जो है एक एटमोसफेयर जो है वो हमें देता है क्या क्या चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड तमाम ऑर्गेनिजम्स के लिए, इसके अलावा ऑक्सीजन। नंबर थर्ड इज़ वाटर इटसेल्फ इज़ फुल ऑफ डैश एनिमल्स एंड प्लांट्स। वाटर जो है वो खुद भरा होता है किससे, इसमें जानवर भी हैं, पौधे भी हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नंबर फोर्थ इज़ द डैश बॉडी ऑफ फिश मेक इट ईजियर टू मूव थ्रू वाटर। डैश की शेप की बॉडी है जो फिश की, वो इसको हेल्प देती है कि ईजिली पानी में फ्लोट कर सके। तो कैसी, स्ट्रीम लाइन। नंबर फाइव इज़ ब्राइटली कलर्ड डैश लिव अमंग प्लांट्स एंड इन वाटर। ब्राइटली कलर्ड डैश जो है ये एनिमल्स और प्लांट्स और इसके अलावा वहाँ जो वाटर पाया जाता है उसमें पाए जाते हैं। तो ये हम रेन फॉरेस्ट की बात करें, इनहैबिटेट की, तो यहाँ पे फ्रॉग्स होते हैं ब्राइटली कलर के। नंबर सिक्स इज़ द डैश इट्स अ ग्रास विच इज़ स्मॉल एंड नियर द ग्राउंड। अब ये भी हम ग्रास लैंड हैबिटेट की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ग्रास होती है वो एक तो थोड़ी होती है और ग्राउंड के पास होती है। उसको कौन खाता है, एंटीलोप। नेक्स्ट सेवन इज़ डैश प्लांट्स आर वेल अडोप्टेड फॉर ग्रोइंग इन डेजर्ट। डैश प्लांट्स जो होते हैं ये वेल अडोप्टेड होते हैं कि ये वहाँ पे रह सकें डेजर्ट्स में, तो वो कौन से हैं, कैक्टस। नंबर एट इज़ पेंगुइन्स लिव इन द डैश एंड हैव फीडर्स विच मेक देम वार्म। पेंगुइन्स जो हैं ये रहते हैं कहाँ पे, और दूसरे इनके पर होते हैं इस तरह के बने हुए कि इनको गर्म रखते हैं, तो ये साउथ पोल में पाए जाते हैं ना। नंबर नाइन्थ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इज़, सबसे ज़्यादा अहम इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है इकोसिस्टम का वो कौन सा है, नीश, यानी किरदार। किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्पेसिफिक इकोसिस्टम के अंदर क्या किरदार है, ये चीज़। नंबर टेंथ इज़ प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन हीच अदर इन द डैश वेयर दे लिव। प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर इन द एनवायरमेंट, इन द हैबिटेट वे डेलिव, जहाँ पे ये पाए जाते हैं। नंबर 11 इज़ द ग्रीन पिगमेंट इन डैश कैप्चर द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। जो ग्रीन पिगमेंट है इन प्लांट्स के अंदर, वो कैप्चर करता है एनर्जी को और सनलाइट से, और इस तरह से सनलाइट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दाखिल होती है। देन नंबर 12 इज़ ऑल एनिमल्स आर डैश बिकॉज दे कंज्यूम फूड इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स और द एनिमल्स। ऑल एनिमल्स जो हैं ये क्या होते हैं, ये कंज्यूमर्स हैं, क्योंकि ये दूसरे जानदारों को, प्लांट्स और एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं और उसको जो फिर इस्तेमाल करते हैं। डैश नंबर 13 इज़ डैश आर क्लासिफाइड इन टू स्वेंचर्स एंड डिट्रीटी वॉर्स। तो ये डिकम्पोजर्स हैं जिनको हमने इन दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक वो हैं जो फ्लैश खाते हैं सॉफ्ट, और एक वो हैं कि जो फ्लैश का भी मतलब जो बकाया हिस्सा होता है वो खाते हैं, डिब्रिस खाते हैं। नंबर 14 इज़ अ फूड वेब इज़ अ डैश रिप्रेजेंटेशन इन विच ऑल द फूड चेन्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर शोन। फूड वेब जो है ये एक क्या है जी, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर तमाम फूड चेन्स जो है इकोसिस्टम के अंदर वो दिखाई जाती हैं। नंबर 15 इज़ हैबिटेट्स हैव लिमिटेड, हैबिटेट के अंदर लिमिटेड होती हैं क्या, रिसोर्सेस, जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए होती हैं। नाउ द बी पार्ट इज़
द बी पार्ट इज राइट ट्री फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड फॉल्स स्टेटमेंट. टी लिखें ट्रू के लिए और एफ लिखें फॉल्स के लिए. हम पढ़ते हैं इनको. सबसे पहले उन्होंने कहा है सॉइल अब्जॉर्ब्स एंड होल्ड्स वाटर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स. सॉइल जो है ये अब्जॉर्ब करता है और होल्ड करके रखता है वाटर को जो कि प्लांट और एनिमल्स को चाहिए होते हैं. यस ट्रू. नंबर टू इज गिल्स हेल्प फिश टू अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ डिजॉल्व इन वाटर. गिल्स जो हैं ये हेल्प करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करने में जो कि पानी में हल होती है. नहीं, गिल्स जो हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करती हैं. सही, ये फॉल्स हैं. नंबर थर्ड इज स्पाइडर मंकी यूजेज देयर लॉन्ग लेग्स टू स्विंग थ्रू द ब्रांचेस. स्पाइडर मंकी जो है अपनी लंबी टांगे इस्तेमाल करता है एक शाख से दूसरी शाख में जाने के लिए. दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज स्पाइडर मंकी यूजेज इट्स लॉन्ग टेल टू स्विंग थ्रू थ्री ब्रांचेस. वो ब्रांचेस में स्विंग करने के लिए अपनी टेल को इस्तेमाल करता है. नंबर फोर इज द गोफर स्नैक इज़ एन एग्जाम्पल फॉर रेप्टाइल द नीडेड डेजर्ट एंड हैबिटेट. गोफर स्नैक एक ऐसा जो है एनिमल है जिसको जो ऐसा रेप्टाइल है यानी कि जो डेजर्ट हैबिटेट को इस्तेमाल करता है. तो येस दिस इज़ ट्रू. नंबर फिफ्थ इज ऑन्ट नीड्स हैबिटेट दैट हैव लॉट्स ऑफ बिल्डिंग मटीरियल. इनको ऐसा हैबिटेट चाहिए जिनके पास बहुत ज़्यादा बिल्डिंग मटीरियल्स हों. येस ट्रू. टर्न योर नेक्स्ट पेज. द एग्जाम्पल ऑफ द हर्बीवोर्स आर लॉयन, ज़ेब्रा, मंकी, डियर एंड बियर. जो एग्जाम्पल हर्बीवोर्स की लॉयन है, ज़ेब्रा है, मंकी है, डियर एंड बियर है. बाकी सारे एग्जाम्पल्स तो ठीक है, नहीं लॉयन हर्बीवोर नहीं है, बियर भी हर्बीवोर नहीं है, ज़ेब्रा है और डियर है, मंकी है. तो ये फॉल्स है. नंबर सेवन इज डीकम्पोजर्स ब्रेक डाउन द रिमेनिंग ऑफ अ डेड ऑर्गेनिज्म. डीकम्पोजर्स वो जानदार हैं जो तोड़ फोड़ देते हैं मुर्दा जानदारों को. यस दिस इज़ ट्रू. नंबर एट इज इन मोस्ट इकोसिस्टम देयर आर मोर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. कुछ इकोसिस्टम ऐसे हैं जहाँ पर प्रोड्यूसर्स ज़्यादा हैं कंज्यूमर्स से. यस ट्रू. नंबर नाइन्थ इज सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स. जितनी किस्म की भी हमारे पास वो हैं जिंदगियाँ हैं इन सब के लिए सूरज जो है वो सबसे अहम जरिया है, बेसिक सोर्स है एनर्जी का. यस ट्रू. नंबर टेंथ इज टाइनी प्लांकटन अब्जॉर्ब मर्करी कंपाउंड फ्रॉम द ग्राउंड सॉयल. छोटे प्लांकटन जो हैं ये अब्जॉर्ब करते हैं मर्करी कंपाउंड्स को जो कि ग्राउंड में मौजूद होते हैं. नो, सी वाटर के अंदर जो मौजूद होते हैं या दूसरे जो लिविंग हैं वाटर लिविंग प्लांट्स उनमें वाटर बॉडीज़ के अंदर जो भी होता है उनको अब्जॉर्ब करते हैं. नंबर 11 इज कंसंट्रेशन ऑफ DDT बर्ड्स के अंदर ये वीकनेस कर रही है उनके एग्स में, अंडों में. यस ट्रू. नंबर 12 है समटाइम्स नेचुरल सम आर्टिफिशियल कंडीशंस चेंज इन इकोसिस्टम. बाज़ुकात कुदरती और बाज़ुकात कुछ आर्टिफिशियल सूरत हाल जो है वो इकोसिस्टम को बदल देती हैं. यस ट्रू. नंबर 13 इज फ्लावरिंग एंड टॉलर प्लांट्स ग्रो वेल अंडर द चेंज कंडीशंस. फूलों वाले और लंबे जो प्लांट्स हैं ये अच्छा ग्रो करते हैं जब कंडीशन चेंज हो. ट्रू. नंबर 14 इज हैबिटेट्स हैव अनलिमिटेड रिसोर्सेज नीडेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म. एक हैबिटेट के पास जो भी रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं जानदारों के लिए. नो, फॉल्स, लिमिटेड होते हैं. 15 इज ह्यूमन बींग्स कम्पीट विद एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. ह्यूमन जो है वो कम्पीट कर रहे हैं उन एनिमल्स और प्लांट्स के साथ पूरी दुनिया में. यस ट्रू. उसके बाद जो है हम रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस एट द बॉटम. इस पैसेज को पढ़िए और इसमें जो क्वेश्चंस उन्होंने नीचे बॉटम में पूछे हैं उनको आपने उनके जो है वो आंसर्स देने हैं. सक्सेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंज. सक्सेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है तब्दीली का विच अकर जो होता है ड्यू टू कॉम्पटिशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. उस मुकाबले की वजह से जो कि बड़े लंबे अरसे से चल रहा होता है. समटाइम बाज़ुकात इट में ऑल्सो अकर. ये तब भी होता है वेन द कंडीशन हैबिटेट की बदल जाए सडनली फॉरन एंड ड्रामेटिकली. आ फॉरेस्ट फायर जंगल को आग लगना विंड स्टॉर्म तूफान आ जाना ह्यूमन एक्टिविटीज़ या फिर कोई इंसानी सरगर्मी की वजह से जैसे कि एग्रीकल्चर ऑल मेनली चेंज द कंडीशन ऑफ ए हैबिटेट. ये सारी जो हैं वो हैबिटेट को बदल देती हैं सूरत हाल को. अ बेयर लैंड कैन नॉट स्टे बेयर. एक बंजर ज़मीन हमेशा बंजर नहीं रह सकती फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक लंबे अरसे तक. प्लांट्स जैसे कि लाइकन्स हैं वीड्स हैं क्विक ग्रोइंग प्लांट्स हैं ये बड़ी जल्दी ग्रो करने वाले प्लांट्स हैं. आफ्टर सम टाइम थोड़ी देर के बाद एनिमल्स दैट फीड ऑफ दीज ऑन दीज प्लांट्स वो जानवर जो कि इन प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं यूजेस देम एज शेल्टर स्टार्ट लिविंग देयर और उनको जो है वो पनाह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ रहते हैं.
एज द टाइम पासिस जैसे जैसे वक्त गुजरता है सम अदर प्लांट्स ग्रो देयर, कुछ और पौधे भी वहाँ पे ग्रो करते हैं विच आर स्ट्रॉन्गर एंड टॉलर, जो कि लंबे भी होते हैं और मजबूत भी। द स्टॉप ऑफ द सन लाइट ऑफ शॉर्ट प्लांट स्पीसीज, छोटे प्लांट्स की जो सूरज की रोशनी है उन्हें रोक लेते हैं। वैन सच प्लांट्स के नॉट मेक देयर फूड, जब वो वाले प्लांट्स सूरज ना की रोशनी ना मिलने की वजह से खाना नहीं बना सकते, दे डाई, वो मर जाते हैं। एंड न्यू फ्लावरिंग एंड टॉलर प्लांट्स, तो नए फूल निकालने वाले और लंबे जो दरख्त हैं ग्रो वेल अंडर द चेंज कंडीशन, बड़ा अच्छा ग्रो करते हैं इस तब्दील हुई हुई कंडीशन में। एंड द एरिया चेंज इनटू फॉरेस्ट, और वो एरिया जो है फॉरेस्ट में बदल जाता है। नंबर वन क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ सक्सेशन, सक्सेशन किसको कहते हैं? तो ये आपको जो फर्स्ट लाइन में मिल जाएगा यहाँ तक। नंबर टू इज़ हाउ कंडीशन ऑफ हैबिटेट चेंज एक्सीडेंटली, कैसे जो है वो एक्सीडेंटली चेंज हो जाती हैं? तो ये फॉरेस्ट फायर हो सकता है, विंड स्टॉर्म हो सकता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, ये सारी जो है कंडीशन चेंज कर देती हैं। नंबर टू क्वेश्चन। नंबर थ्री, नंबर सी इज़ व्हाई अ बेयर लैंड कैन नॉट स्टे बेयर फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, कुछ वक्त के लिए जो बंजर ज़मीन है हमेशा बंजर क्यों नहीं रह पाती? क्योंकि जैसे प्लांट्स हैं लाइकेंस एंड वीड्स, क्विक ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं, तो ये बड़ी जल्दी वहाँ पर ग्रो कर जाते हैं। थर्ड इज, इसके बाद नंबर फोर्थ है, वाई सम प्लांट्स बिकम अनएबल टू मेक देयर ओन फूड, क्यों कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते? क्योंकि सम अदर प्लांट्स जो है वो वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं और ये स्टॉप कर जाते हैं सनलाइट शॉर्ट स्पीसीज को, और जिसकी वजह से वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते और मर जाते हैं। तो ये हमारे पास है जो क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव, हाउ एन एरिया टर्न्स इनटू फॉरेस्ट फ्रॉम अ बेयर लैंड, कैसे बदल जाता है एक उसमें? तो इसके अंदर आपको ये सारा प्रोसेस बताना पड़ेगा यहाँ से आफ्टर सम टाइम से और यहाँ तक। फिफ्थ क्वेश्चन, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं अपने डी पार्ट पे। चूज़ द बेस्ट ट्रांसफर फ्रॉम द फॉलोइंग, नंबर वन इज़ ज़ेब्रास एंड लॉयंस आर द एनिमल्स ऑफ विच हैबिटेट, ज़ेब्रा लॉयन जो है ये किस हैबिटेट से ताल्लुक़ रखते हैं? ग्रासलैंड से, पोलर से, या डेजर्ट से? तो ये लगते हैं ग्रासलैंड। नंबर टू इज़ गोफर स्नैक इज़ एन एग्जांपल ऑफ विच हैबिटेट, गोफर स्नैक किस की मिसाल है? ग्रासलैंड की, पोलर लैंड की, या डेजर्ट की? तो ये डेजर्ट की हैं। नंबर थर्ड इज़ विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्रोड्यूसर्स, इनमें से कौन सा है जो प्रोड्यूसर्स की मिसाल है? ओल, ओक ट्री, या वॉल? तो ओक ट्री। नंबर फोर्थ इज़ विच सेंटेंस डिस्क्राइब हैबिटेट, यहाँ पर कौन सा सेंटेंस है जो हैबिटेट को डिस्क्राइब कर रहा है? ग्रास यूज सनलाइट टू ग्रो, अ मोल इज अंडरग्राउंड, या बैक्टीरिया ब्रेक्स डाउन डेड प्लांट्स? तो यहाँ पे ये मोल बता रहा है जो कि अंडरग्राउंड लिव करता है, ये इसकी हैबिटेट को शो कर रहे हैं कि अंडरग्राउंड इसकी हैबिटेट है। नंबर फिफ्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सी चीज़ है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की खूसियत नहीं है? टू रिस्पॉन्ड करना, नेवर डाई, या टू ग्रो? तो नेवर डाई, कि वो मरेंगे नहीं, क्योंकि हर जानदार जो चीज़ जिंदा है वो मर जाती है। नंबर सिक्स इज़ विच फूड चेन इज़ इन द करेक्ट ऑर्डर, कौन सी फूड चेन है जो करेक्ट ऑर्डर में है? तो यहाँ पे जो है हमारे पास ये जो लास्ट वाली है कि ग्रास को फिर आगे से ग्रास होपर खाते हैं, ग्रास होपर को फ्रॉग खा लेता है, फ्रॉग को आगे से स्नेक, और स्नेक को आगे से हॉक। नंबर सेवन्थ इज़ विच लिस्ट शोज अ पॉसिबल ऑर्डर इन विच एनर्जी मूव्स थ्रू एन इकोसिस्टम, इनमें से कौन सी है पॉसिबल ऑर्डर बताइएगा जिसके अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र होती है इकोसिस्टम के अंदर? तो वो होगी प्रोड्यूस, यहाँ से सन, फर्स्ट वन इज सन, फिर प्रोड्यूसर्स को आगे से हर्बीवोर्स खा लेते हैं, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स, और कार्निवोर्स को आगे डिकम्पोज कर देते हैं। नंबर एट इज़ वट इज़ द प्रोसेस बाय विच सन एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय द सोर्स ऑफ एनर्जी यूज रिचुअली बाय ऑल ऑर्गेनिजम्स, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए सूरज की रोशनी को कैप्चर कर लिया जाता है एनर्जी के सोर्स के लिए, और फिर उसको हर तमाम जानदारों में ट्रांसफ़र करवाया जाता है? तो वो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जिसके ज़रिए प्लांट सूरज की रोशनी को अब्सॉर्ब करके अपना खाना बनाते हैं और फिर उसको आगे जानदारों में मुंतकिल कर दिया जाता है जैसे जैसे वो उसको खाते जाते हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पोर्शन आता है, दैट इज़ अ लॉन्ग पोर्शन। राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में इनके क्वेश्चंस आंसर्स नोट करें। हम डिस्कस करते हैं बुक में इनके आंसर्स कहाँ पे हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, एक्सप्लेन डेजर्ट हैबिटेट एंड विद एग्जांपल एंड हाउ कैमल इज़ वेल अडॉप्टेड फॉर द फॉरेस्ट, डेजर्ट हैबिटेट के बारे में बताएं और साथ में ये बताएं कि ऊँट किस तरह से वहाँ पे रहने का आदी है।
तो 64 पेज खोलिएगा आप अपना, और 64 पेज पे ये डेजर्ट हैबिटेट, हमारी डेजर्ट हैबिटेट, इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन पहले 3 लाइनों में काफ़ी है। इसके बाद जो है आपने ये कैमल के बारे में बताना है, तो उसकी अडॉप्टेशन यहाँ से ये सारे पॉइंट्स आपने बताने हैं कि कैसे ऐप कैमल जो है इस तरह का बना हुआ है जानदार कि वेल अडॉप्टेड है, ये अपने उस एनवायरनमेंट में रह सकता है, इसकी बॉडी कैसी है, इसका इनर कैसा है, सब कुछ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू नो अबाउट फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में आप क्या जानते हैं, कैसे एनर्जी फ्लो करती है। पेज नंबर 66 ओपन करेंगे इसके लिए हम, पेज नंबर 66 पे दिस फ्लो ऑफ एनर्जी, ये तो ये आपने जो है इसके आंसर में वो लिखना होगा। उसके बाद हम दोबारा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक्सप्लेन फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स, फीडिंग रिलेशनशिप बताना है। अगेन हम जो है वो अगेन हम चलेंगे वहीं पे पेज नंबर 66 पे, और यहाँ पे जो फीडिंग रिलेशनशिप है ये नीचे हर्बिवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स और डीकम्पोजर्स के दरमियान, तो ये सारा हम जो है इसके अंदर बताएंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा है 4 वाला, डिस्क्राइब एंड कंपेयर पायरामिड्स ऑफ नंबर्स एंड पायरामिड ऑफ बायोमास, पायरामिड ऑफ नंबर और बायोमास को कंपेयर करना है, इसके बारे में बताना है आपने। तो इसके लिए हम चलेंगे पेज नंबर 69 एंड 70 पे, यहाँ पे आपको पायरामिड ऑफ नंबर्स के बारे में बताया है, और इसका फर्स्ट पैराग्राफ विद एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये इनफ होगा। इसके साथ ही जो है वो नेक्स्ट पेज पे पायरामिड ऑफ बायोमास में भी अगेन यही, इसके फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स विद एग्जाम्पल, ये भी जो है वो एक्सप्लेन कर देगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ चेंजेस में अकर इन अ फूड चेन और फूड वेब, कौन कौन सी किस तरह की तब्दीलियाँ फूड चेन और फूड वेब में जो है वो आ सकती हैं, तो ये हमने पढ़ा था यहाँ पे, चेंज इन ए फूड वेब, फूड वेब के अंदर तब्दीली, ये कि किस तरह से किसी स्पीसी की एडिशन, किसी स्पीसी का निकल जाना होल यानी होल पॉपुलेशन का एक एरिया के अंदर से इफ़ेक्ट करता है फूड वेब को, तो ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था, ये आपने सारा करना होगा इसके अंदर एक्सप्लेनेशन के साथ। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन जो है इसके बारे में आपने एक्सप्लेन करना है, तो कॉम्पिटिशन के लिए हम चलेंगे यहाँ पे अगेन पेज नंबर 73 पे, लास्ट टॉपिक कॉम्पिटिशन, तो ये हमें जो है वो इसके अंदर जो है वो एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, हमने शॉर्ट नोट्स लिखने हैं किसके ऊपर, वाटर हैबिटेट पे, रेन फॉरेस्ट हैबिटेट पे, एंट हिल पे एंड द डीकम्पोजर्स पे। तो सबसे पहले हम वाटर हैबिटेट को देखते हैं, हमें मिलेगा पेज नंबर 62 पे, तो पेज नंबर 62 पे दिस इज वाटर हैबिटेट, तो ये वाटर हैबिटेट जो है इसके बारे में आपने बताना है स्टार्टिंग से। उसके बाद जो है नेक्स्ट रेन फॉरेस्ट हैबिटेट, इसके लिए पेज नंबर 63 पे जाइएगा, यहाँ पे ये है हमारे पास रेन फॉरेस्ट हैबिटेट, ये आपने इसमें नोट करना है। देन हमारा नेक्स्ट है जी एंट हिल, एंट हिल में जाइएगा पेज नंबर 65 पे, तो पेज नंबर 65 पे लास्ट पे है एंट हिल के बारे में, तो ये हम जो है इसके आंसर में एक्सप्लेन करेंगे। एंड द लास्ट टॉपिक इज़ डीकम्पोजर्स, तो डीकम्पोजर्स के लिए हम जाएंगे पेज नंबर 67 पे, और पेज नंबर 67 पे ये जो है ये डीकम्पोजर्स को एक्सप्लेन करें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सरसाइज के हमने फिनिश कर लिया, हमने उसकी सारी एक्सरसाइज फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड इसके अलावा जो हम क्वेश्चंस भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।